हेलो एवरीवन हेयर इज दीप्ति वेलकम बैक टू द चैनल स्कोर विद दीप्ति लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन किया था आई थिंक आपको जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ क्लियर हो रहे हैं तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फोर लेट्स रीड यूज यूक्ल डिविजन लेमा टू शो दैट द स्क्र ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म थ्री एम और थ्री एम प्लस वन फॉर सम इंटीजर एम मीन्स यूक्यल डिविजन लेमा का यूज करके हमें शो करना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वेयर किस फॉर्म में होगा थ्री एम और थ्री एम प्लस वन जहा एम क्या कोई इंटीजियर है ये क्वेश्चन जो है जो आपने लास्ट सेकेंड क्वेश्चन किया था इसी एक्सरसाइज का उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यूकिल डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे तो यूकिल डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म क्या है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर जीरो आर लेस देन बी लेट हम लेट कर लेंगे लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर ए क्या है कोई पॉजिटिव नंबर है बी इक्वल टू थ्री अब यहां पर बी इक्वल टू थ्री कैसे आया जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म है उसमें क्यू का मल्टीपल क्या था बी और जो हमें क्वेश्चन में एम दे रखे है एम का मल्टीपल क्या है मीन्स हम इस इक्वेशन को जो हमें गिवन इक्वेशन है उससे अगर कंपैरिजन करें इसका तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे ए इक्वल टू बी है थ्री थ्री और क्यू को क्यू ले लेंगे एज इट इज प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर हम ले लेंगे आर तो ए इक्वल टू थ्री क्यू प्लस आर ये हमारे पास फॉर्म आ गई ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इसी इक्वेशन में हमने अब रिमाइंडर की वैल्यूज पुट करनी है अब रिमाइंडर क्या है हमारे पास रिमाइंडर रिमाइंडर जो है जीरो से बड़ा है मींस आर इक्वल टू जीरो और जीरो के इक्वल भी है और बी से छोटा है बी क्या है थ्री है तो जीरो वन टू बस यही वैल्यूज होंगी जीरो वन टू थ्री से छोटा है। ठीक यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया नेक्स्ट अब हम जो आर की वैल्यू है जीरो वन टू इसको इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे आर इक्वल टू जीरो जब आर की वैल्यू जीरो है तो यहां पर अगर हम पुट करें तो ए की वैल्यू क्या आएगी थ्री क्यू प्लस जीरो मीन्स थ्री क्या हुआ वैल्यू आ गई जब आर की वैल्यू क्या वन है तो क्या आएगी ए की वैल्यू थ्री क्यू प्लस वन और जब आर की वैल्यू क्या है टू है तो इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी ए की थ्री क्यू प्लस टू अब जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा गया है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें स्क्यर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर हमें क्या करना है स्क्यर करना है लास्ट क्वेश्चन में आपने यहां तक ही सोल्व किया था जो लास्ट सेकंड क्वेश्चन करवाया था मैंने लास्ट सेशन में उसमें आपने यहां तक ही सोल्व किया था लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है स्क्वेयर भी करना है तो अब क्या करेंगे इसका स्क्यर कर लेंगे जो हमारे पास ए की वैल्यूज आई है क्लियर थ्री क्यू का स्केयर क्या बनेगा नाइन क्यू स्क् यहाँ पर थ्री क्यू प्लस वन का होल स्केयर है तो ये आपको फॉर्मूला आता होगा ए प्लस बी का होल स्केयर ए प्लस बी का होल स्केयर इक्वल टू ए स्क्यर प्लस बी स्क्यर प्लस टू ए बी इसी फॉर्मूले का यूज़ हम यहाँ करेंगे तो यहाँ पर ए क्या है हमारे पास थ्री क्यू होल स्केयर प्लस बी क्या है वन का स्केयर प्लस टू ए बी ए बी नेक्स्ट थ्री क्यू का स्केयर नाइन क्यू स्केयर प्लस वन प्लस टू थ्री जै सिक्स सिक्स क्यू ऐसे लास्ट क्वेश्चन में भी कर लेते हैं थ्री क्यू होल स्केयर प्लस फोर मीन्स टू का स्केयर फर्स्ट ऐसे लिख लेंगे प्लस टू थ्री क्यू मल्टीप्लाई बाय टू थ्री क्यू का होल स्केयर क्या आ जाएगा नाइन क्यू स्केयर प्लस फोर टू टू जा फोर प्लस टू थ्री जा सिक्स सिक्स टू जा ट्वेल्व ट्वेल्व क्यू अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें इस इक्वेशन को थ्री एम की फॉर्म में बनाना है जैसे कि क्वेश्चन में थ्री एम थ्री एम प्लस वन दे रखा है तो इसमें हम थ्री कॉमन ले लेते हैं और थ्री थ्री ज़ा नाइन थ्री क्यू स्क् ये आ गई हमारे पास ऐसे ही यहां पर भी थ्री कॉमन ले लेंगे जैसे कि पहले इसको नाइन क्यू स्केयर प्लस सिक्स क्यू प्लस वन वन को हमने लास्ट में लिख लिया अब क्या करेंगे इसमें से थ्री कॉमन ले, ले लेते हैं थ्री क्यू स्केयर प्लस टू क्यू प्लस वन ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन में भी कर लेते हैं नाइन क्यू स्केयर प्लस ट्वेल्व क्यू प्लस अब ये फोर है ना इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे थ्री प्लस वन क्योंकि हमें थ्री कॉमन निकालना है तो यहाँ से थ्री कॉमन ले लेंगे थ्री थ्री ज़ा नाइन क्यू स्क्र प्लस थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व क्यू थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व ऐसे आया ये थ्री वन जा थ्री तो वन को एज इट इज अलग से रख लेंगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे जो थ्री क्यू स्क्र है ना थ्री क्यू स्क्र उसके प्लेस पे हम एम की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल टू एम तो ये क्या आ जाएगा थ्री एम यहाँ क्या आ जाएगा थ्री एम प्लस वन यहाँ इस प्लेस पे हमने एम की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि हमें क्वेश्चन में एम की फॉर्म में आंसर देना है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में थ्री एम प्लस वन तो हमारा आंसर क्या आ गया थ्री एम थ्री एम प्लस वन थ्री एम प्लस वन तो हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्केयर अगर हम करते हैं तो वो किस फॉर्म में होगा एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म थ्री एम और थ्री एम प्लस वन वेन वी स्केयर दैट इंटीजर मीन्स जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्केयर करते हैं तो किस फॉर्म में होगा थ्री एम थ्री एम प्लस वन की फॉर्म में तो ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं फर्स्ट क्या करेंगे यूकल डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर जीरो टू आर लेस देन बी लेट ए बी या पॉजिटिव इंटीजियर ए क्या ले, ले लेंगे कोई पॉजिटिव इंटीजर ले, ले लेंगे वेयर बी इक्वल टू थ्री बी क्या है थ्री है ये बी इक्वल टू थ्री कैसे आएगा जो एम का मल्टीपल होगा वही हमने बी की वैल्यू ले, ले ली थ्री नेक्स्ट ए इक्वल टू थ्री क्यू प्लस आर ये हमने इक्वेशन बना ली हमने क्या किया जो यूकिल डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म है उसमें बी की वैल्यू पुट कर दी ए इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है थ्री थ्री क्यू प्लस आर ये वन इक्वेशन बन गई हमारी तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी रिमाइंडर जीरो के इक्वल है और जीरो से बड़ा तो जीरो और बी से छोटा है जीरो वन टू ये रिमाइंडर की वैल्यूज आ गई नेक्स्ट हम क्या करेंगे इस रिमाइंडर की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुटिंग कर देंगे थ्री क्यू प्लस आर में तो इस जब इसमें आ गया थ्री क्यू प्लस जीरो थ्री क्यू प्लस वन थ्री क्यू प्लस टू फिर क्या करना है हमें स्क्वायर करना है जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या आ गया स्केयर फाइंड आउट करना है उसको हमने स्क्वेयर फाइंड आउट कर दिया स्क्वायर कर दिया तो स्केयर करने से ये बन गया नाइन क्यू इसमें से थ्री कोमा ले लिया हमने थ्री क्यू स्केयर ऐसे इसमें भी फॉर्मला लगाया हमने कौन सा फॉर्मला लगाया ए प्लस बी का होल स्केयर ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी ये यह फॉर्मूला यहां पर पुट किया यहाँ पर ए हो गया थ्री क्यू बी हो गया हमारे पास वन तो ये हमारे पास सोव करके आया यहां पर तो नाइन क्यू स्क्र प्लस सिक्स क्यू प्लस वन इसमें से अब क्या करेंगे थ्री एम की फॉर्म में बनाना है तो थ्री इसमें से भी कॉमन ले लेंगे थ्री थ्री क्यू स्केयर प्लस टू क्यू प्लस वन वन को अलग से रख लिया हमने तो इस प्लेस पे क्या करेंगे अब थ्री क्यू स्केयर प्लस टू के टू क्यू की प्लेस पे एम पुट कर देंगे थ्री एम प्लस वन नेक्स्ट लास्ट पार्ट में ए इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू का होल केयर इसमें भी फॉर्मूला पुट करेंगे लास्ट लास्ट पार्ट थ्री क्यू प्लस टू का होल केयर इसमें भी फॉर्मूले की पुटिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू ए प्लस बी का होल केयर थ्री क्यू का होल स्केयर प्लस टू का स्क्यर प्लस टू थ्री क्यू टू तो थ्री क्यू का होल स्केयर क्या आ जाएगा नाइन क्यू स्केयर प्लस फोर प्लस ट्वेल्व क्यू नेक्स्ट नाइन क्यू स्क्र ट्वेल्व क्यू अब जो ये फोर है इसको टू पार्ट में डिवाइड कर लिया थ्री प्लस वन क्योंकि हमें थ्री कॉमन निकालना है तो यहां से थ्री कॉमन ले लिया थ्री क्यू का स्केयर प्लस फोर क्यू प्लस वन प्लस वन तो इस प्लेस पे हमने क्या किया एम पुट कर दिया थ्री एम प्लस वन तो यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था तो इस क्वेश्चन को एक दो बारी रिपीट करना आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और मेरे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना